वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। टूडेज पीरियड इज इंग्लिश लैंग्वेज। आज आपका सेमिस्टर टू का बुक शो कर रही हूँ मैं यहाँ पर। सीजन सेमिस्टर टू का बुक है आपका। इसका कंटेंट शो करती हूँ अभी आपको। कंटेंट में दिस इज अ कंटेंट ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश में ले रही हूँ आपका। तो द स्टोरी फ्रॉम बापूज लाइफ, द डस्ट ऑन द फेदर पोयम है, द शेफर्ड्स वॉच डॉग और काइंडनेस ऑक्सीड वन। ये हमारा टर्म टू में आया था। अब आफ्टर टर्म टू फाइव अपसाइड डाउन पोयम। इसके पहले मैं ग्रामर पढ़ा रही थी आपको, तो आज ये पोयम हो चुकी है हमारी। टू टाइम्स मैंने लिया है इसको। कल हार्ड वर्ड्स और सब आपको दिए थे, आज इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पेज नंबर 39। पेज नंबर 39 पर है, तो 39 पेज देखते हैं। तो देखिए इसके क्वेश्चन आंसर है आपके पोयम के। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो स्ट्रेंज मीन्स नॉट यूजुअल और नॉट ऑर्डिनरी। मेंशन टू थिंग्स दैट वुड रियली बी स्ट्रेंज इफ द वर्ल्ड वेयर टू बी अपसाइड डाउन। यदि सही में दुनिया उलट पलट हो जाती है, तो दो चीज़ें ऐसे मेंशन कीजिए जो आपको लगता है कि कैसे हो गई है, जो आपको स्ट्रेंज लगती है, अनोखी लगती हैं। तो अभी देखिए, फर्स्ट थिंग मैंने इसमें लिखा है यू वुड बी वॉकिंग ऑन योर हैंड। क्या आप हाथ पर चलोगे? सेकेंड थिंग द सन एंड मून वुड बी हिडन इन द ग्राउंड। ग्राउंड पर होंगे। अभी देखिए, वेयर वुड द सन एंड स्टार्स बी इन द अपसाइड डाउन वर्ल्ड। यदि दुनिया ऊपर नीचे है, तो सन और स्टार कहाँ होंगे? तो द सन एंड द मून स्टार्स वुड बी इन द ग्राउंड। यही आएगा इसका जवाब। मैंने ऊपर वाले में भी यही पॉइंट डाला है, क्योंकि मुझे स्ट्रेंज लगा। वेयर वुड द वाटर्स ऑफ द ओसीन बी इन एन अपसाइड डाउन वर्ल्ड। यदि दुनिया ऊपर नीचे होगी, तो समुद्र का, ओसीन का, वाटर का होगा, तो द वाटर ऑफ ओसीन वुड बी इन द स्काई। यदि ऐसा होगा, तो समुद्र का पानी है वो जो आसमान में होगा। जैसे आपकी पोयम है, उसी तरह से आंसर दिए गए हैं। वॉट स्ट्रेंज थिंग वुड हैपन इफ द वाटर्स ऑफ द ओसिन आर इन द स्काई। यदि पानी ऊपर जाएगा, तो क्या अनोखी चीज़ होगी, क्या नया होगा उसमें? तो वेल्स एंड अदर फिशेज वुड बी स्विमिंग इन द स्काई। तो वो लोग क्या करेंगे? आसमान में तैरेंगे। अभी फिफ्थ क्वेश्चन देखिए आप। द पोएट सेज समटाइम्स वन समटाइम्स नॉट। कुछ खुशी होती है और कुछ नहीं भी होता है। तो वाई डू यू थिंक सी सेज दैट। तो आपकी पोयम जो है वो लेडीज़ है, इसीलिए यहाँ सी है, इसीलिए वो ऐसे क्यों कहती है? नेहा विश्वनाथ है उसका नाम। तो मैंने देखिए इसको, आपको मैं आंसर इसका वेरी में दिया गया है आपको, लेकिन फिर भी मैंने लिखाया है बिकॉज नेचर टीचेस यू डैट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ यू। नेचर तो हमें ये बताता है कि वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं करता। इन नेचर वी डू नॉट से हाउ रॉन्ग। हम उसको ये नहीं कह सकते कि ऐसा रॉन्ग है। दैट फ्लावर यू माइट सी पिंक। आप कोई फ्लावर को पिंक देखते हो, कोई अनदर कलर का वन, एंड रियलाइज दैट इट्स अ म्यूटेशन। तो वो अपने म्यूटेशन पर और अपने हेरा फेरी पर और निसर्ग पर चलता है, इसीलिए हम उसको ये नहीं कह सकते कि कौन कहाँ रॉन्ग है। नेचर कभी हमको सुहावना लगता है और कभी वो भी होता है। तो ये तो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अभी बहुत बारिश होगी और कभी बहुत अच्छा प्लेजेंट नेचर होगा। तो इसी प्रकार से आपकी एक पोयम के अनुसार मैंने क्वेश्चन आंसर इसमें लिखे हैं। तो आपको ये नोटबुक वाला पीडीएफ एंड आंसर की वाला दोनों ही मैं भेजूंगी। तो इसको आपको क्वेश्चन आंसर इन नोटबुक में कर लेने। इसके आगे हम कल, टुमारो विल बी स्टार्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम तो मैंने आपको कल के भी वीडियो में बताया था, हाउ द सी बिकम ब्लू। तो हम इसको नेक्स्ट देखेंगे। आज ये क्वेश्चन आंसर करने, इसीलिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।